पांडे हमारे संवाददाता है इस वक्त सेंट्रल दिल्ली यानी कि कनॉट प्लेस जो कि दिल्ली का दिल कहा जाता है वहां से जुड़ गए हैं। मुनीश, आम तौर पर जब ये संक्रमण नहीं था हमने देखते थे कि किस तरह से ये पूरा इलाका गुलजार रहता था, लेकिन आज वीरान है, सुनसान है, इक्का दुक्का ही लोग दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल नेहा, इसे दिल्ली का दिल कहा जाता है और सोमवार के दिन में इस वक्त अगर यहाँ पर आए तो आपको चहल पहल नजर आती है। ना सिर्फ यहाँ पे रहने वाले लोग, दिल्ली के लोग, बल्कि आसपास के जो राज्य हैं वहाँ से लोग आते हैं और विदेशी सैलानी भी यहाँ पर बहुत आते हैं। लेकिन आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा मैं आपको, जितनी भी दुकानें हैं यहाँ पर सारी की सारी बंद हैं। यहाँ पर कई ऐसी जगह भी हैं जहाँ पर लोग खास करके खाने पीने के लिए आते हैं, लेकिन वो रेस्टोरेंट भी पूरी तरह से बंद किए गए हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको तस्वीरें दिखा पाऊँ, जो सड़कें हैं यहाँ पर, आपको ऐसा नजर आएगा कि पूरी तरह से यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि कोई भी गाड़ियाँ यहाँ पर आ नहीं रही हैं। पहले से ही दिल्ली को लॉकडाउन कर दिया गया है, जिसकी वजह से जो बाहर से आने वाली गाड़ियाँ हैं वो वैसे ही बंद है। इसके अलावा पुलिस ने यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी है और बैरिकेडिंग करने के बाद जो गाड़ियाँ यहाँ पर आ रही थी उनसे पहले पूछा गया कि वो उनके आने का मकसद क्या है, और अगर कोई एसेंशियल सर्विस यानी कि वो डॉक्टर नहीं है या फिर पुलिस से नहीं है या फिर ऐसी कोई कोरोना से रिलेटेड कोई ऐसी सुविधाओं से उनका कोई वास्ता नहीं है तो उसके बाद उनको आने नहीं दिया जा रहा है। मेरे ठीक सामने आप देख सकते हैं ये राजीव चौक मेट्रो स्टेशन है। अगर किसी दूसरे सोमवार को आते, अगर कोरोना यहाँ पर नहीं रहता तो ये खचाखच भरा रहता है मेट्रो स्टेशन, क्योंकि यहाँ पर लगातार लोग आते हैं, कई मेट्रो स्टेशन यहाँ पर आकर जुड़ते हैं और लोग यहाँ से आवागमन करते हैं। लेकिन ऐसी तस्वीरें इसके पहले कभी देखने को नहीं मिली थी, लेकिन कोरोना का जो कहर है वो पूरी तरह से दिल्ली में देखा जा रहा है और ये जो सन्नाटा एक तरह से सही भी है, क्योंकि अगर कोरोना को हराना है तो उसके लिए इस तरह का सन्नाटा जरूरी है। लोगों को अपने घरों में रहना पड़ेगा और इस अपील के बाद में लोगों उनका भी कहना है कि जब तक ये कहर खत्म नहीं होगा तब तक वो अपने घरों में रहना ही पसंद करेंगे।